फाउंडेशन सकुलरावली से फैज़ रसूल आकर अपने मौजू को बयान करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम और राह मदीना के गर्दो गुबार का एक नचीस सा जर्रा और इस्लाम का एक अदना सा रज़ाकार आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। खालिक अज़्ज़ो समा ने कल्बे आदम में जब कल्बे आदम में नफ़रत और हसर को लिखा, उसके साथ मोहब्बत उल्फत के लाजवाल जज्बे को भी मुज़य्यन किया। किसी खूबसूरत और दिन नशीन से मोहब्बत, ये एक फितरी अमल है। किसी खूबसूरत चीज़ से मोहब्बत और दिल नशीन से मोहब्बत, ये एक फितरी अमल है। जब इंसान किसी औसाफ से भरपूर किसी हस्ती को देखता है, उसका दिल उसके लिए बेकरार हो जाता है। ये इंसान का फितरी अमल है। दिल का तकाजा होता है किसी ऐसी जात से मोहब्बत की जाए जो अदल व इंसाफ, सब्र व इस्तक़लाल, खलुस व वफा का पैकर और अहल बज़म की नज़रों का महवर और सितारों के झुटनों में चंदा की हैसियत का हामिल हो। सवाल ये पैदा होता है, इन औसाफ का पैकर कौन हो सकता है? इस कश्मकश में जहन में तरह तरह के सवाल उभरते हैं इस जहन में एक ही कामिल हस्ती का जिक्र आता है, वो शफीए दो आलम, महबूबे कायनात, रहबरे कायनात, नूरे मुजस्सम, दो आलम, शफीए दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात बाबरकात है, जिनसे सिर्फ इंसानों नहीं बल्कि हैवानों ने भी मोहब्बत की और खुदावंदे अज़ीम खुद भी अपनी मोहब्बत का दावेदार है। सामान कदर मेरे आका से बेसमान मौजाद का जहर हुआ। कुफारे मक्का ने मेरे आका से मौजाद तलब किए। बुतों का कलमा पढ़ना, चाँद का दोपारा होना, ये मेरे आका के मौजाद का महवर नहीं तो और क्या है? हजरात, इस दुनिया का वजूद भी किसी मौजे से कम नहीं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आनत से ही ये दुनिया वजूद में आई। खुदा तआला फरमाते हैं, अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करता तो दुनिया के किसी चीज को पैदा ना करता, ना शजर होते, ना हजर होते, ना परिंदे होते, ना चरिंदे होते, ना आसमान होता, ना जमीन होती और ना ही ये पाक महफिल होती। खुदा की कसम खुदाई ना होती, खुदा की कसम खुदाई ना होती अगर ज़हूरे मुस्तफाई ना होती। हजरत हजरत अली कलीमुल्लाह वजहो, आप अपनी गोद में हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद सा चेहरा अपनी गोद में लिए हुए हैं। रहबर कायनात, सरवरे कायनात, आप ही गोद में तशरीफ फरमा हैं, आराम फरमा कर रहे हैं। उस असर की नमाज का वक्त हो जाता है। एक तरफ हुक्म खुदाबंदी है, दूसरी तरफ इश्क मुस्तफ़ा है। आखिर किसका पास करें? आखिर मोहब्बत मुस्तफ़ा ने गलबा पाया। हजरत अली जानते थे, जो मेरी गोद में सोने वाला है इसी की मोहब्बत असल नमाज है। हजरात, अगर हम अपनी ज़िंदगी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुताबिक बसर करें तो यकीनन इंसानियत को वो तमाम सरबुलंदियाँ हासिल हो जाएंगी जिसकी तलाश में वो सदियों से सरगर्दा है। वो ऐशी कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अंदाज़ में मोहम्मद फैज़ रसूल साहब आपसे महव गुफ्तगु थे। अब मैं अगले मुकर्रर को दावत देता हूं जो अपनी गुफ्तगु इंग्लिश में करेंगे, और मैं इस बात के साथ खुशी का इजहार कर रहा हूं कि इस इंग्लिश के मज़मून को जो है वो प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है और मेहनत फरमाई है। क़िबला उस्ताज़ीन अल मुकर्रम सर ज़काउल्लाह वडाइज साहब, आपने इस इदारे के साथ मोहब्बत फरमाई, तलबा के साथ मोहब्बत फरमाई, इदारे के असातिज़ा से मोहब्बत फरमाई, आज अपने पोते शागिर्द से इंग्लिश की स्पीच समाप्त करेंगे। मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ मोहम्मद काशिफ अली साहब तशरीफ़ लाते हैं और इंग्लिश में अपनी स्पीच फरमाते हैं। आई स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी who is very merciful and kindful to us. Mr. President and all honorable guests and my respected teachers and my class fellows, assalamu alaikum.
Today my topic is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. I want to share expression with all of you. I have no word explain that what is the importance of this topic. The personality of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is a guidance for all the humankind. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is a perfect and ideal personality to all the people. We see that in every period, Muslims and non-Muslims all wrote about him. Even the non-believers have admired the qualities of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. On the Hajj day, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered his famous address, which proved to be the last address of his life. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam spread the message of Allah with determination and devotion. He preached the Tawheed of Allah and said that Almighty is the creator of the whole universe. No one is equal to him in power. Before the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, there was a darkness of ignorance everywhere. People were indulged in barbarism. They had no love and regard for humanity. They had no moral values. The Quraysh, who had been worshipping the ideals for several years, tried their best to convince the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to give up the preaching of Islam, as they could not bear this. All their efforts resulted in failure, as Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam remained firm in his belief. This made Quraysh furious. They had become bitter in their enmity. He said in his address, all created beings are the of the spring of Adam. Thus the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is a guidance for all the human beings. Being Muslims, we should follow the teaching of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Thanks. Gujranwala se Sayyid Muhammad Aminul Hasanat Shah sahab aate hain, apne azhar e khayal karte hain. Sayyid nahmaduka ya man tarannamat bi sana'ihi wa kulli lisan wa taghannat bi tahlilihi anadilul qiyan was salatu was salamu alayka ya habib ar rahman amma ba'd fa a'uz billahi min ash shaitan ar rajim bismillahir rahman ar rahim. मैं अपने आका मौला ताजदार अंबिया बल्कि सैयदुल अंबिया के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने जा रहा हूँ. सलाम ए आमिना के लाल ए महबूब सुभानी, सलाम ए फ़ख्रे मौजूदात ए वजह तख्लीक इंसानी. तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी. अल्लाह अल्लाह, ये किसकी अजमत का तज़करा है कि ज़ुबान आजिज है, ख्यालात बादलों की तरह उमड़ते चले आ रहे हैं, दिल में जज्बात के तूफान उठ रहे हैं, आंखों में आंसू मचल रहे हैं कि कहाँ ये मुश्ते खाक और कहाँ वो साहिब लौलाक कि जिसकी हम रिकाबी पर फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को भी नाज है. अंबिया और रसूल जिसकी शिफात का वसीला ढूंढते हैं, हिकमत और दानिश जिसके कदम चूमती है, इश्को मस्ती जिसके जलाओं में जलती है. तो किसी शायर ने क्या खूब कह दिया कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया. कौनैन बनाए गए हैं सरकार की खातिर, सरकार को कौनैन का सरदार बनाया. अलीजा, मेरा अकीदा ये है कि ये पूरी कायनात मेरे नबी के सदके पैदा की गई है. इस कायनात का खुलासा इंसान है और इंसानियत का खुलासा अंबिया रसूल हैं, और अंबिया रसूल के हुजूर पुरनूर अहमद मुजतबा जनाब हज़रत सैदना मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं. आली वकार हक ताला का हुसन अभी गंजीना मख्फी था, तो उसने सोचा कि मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला हो, कोई मेरे लिए दिन रात इबादत करने वाला हो. फिर हज़रत आदम को तख्लीक किया,
फिर फरिश्तों ने अल्लाह की रहमत और अजमत को सजदा किया, क्योंकि हुस्न को पहुंचाने वाला आ गया था। बाजार हस्ती में रौनक आ गई, रौनकों में रंगीनियां आ गईं, रंगीनियों में खुशियां आ गईं, हंगामा हक को बातिल बर्बाद हुआ, वीराना कायनात आबाद हुआ। फिर नूह नजीउल्लाह आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, ईसा रूहुल्लाह आए। हजरात ये कौन थे? ये उसकी आमद की खबर देने वाले थे, उसकी इमामत में नमाज पढ़ने वाले थे, उसकी आमद में खुशियां मनाने वाले थे, उसकी उम्मत में शामिल होने की दुआएं करने वाले थे, उसकी राहों में आंखें बिछाने वाले थे और कहा करते थे, ऐ बादे सबा कुछ तू ही बता, मेहमान जो आने वाले हैं कलियां ना बिछाना, राहों में हम आंखें बिछाने वाले। अली बकार बतने मादर से जब आका आए तो सारी कायनात की नबस एक सेकंड के लिए रुक गई, हवाओं की सरसराहट रुक गई, सितारों की जिलमिलाहट रुक गई, सहराओं का तूफान रुक गया, जन्नत की वादियों में बहार आ गई, गिलमान मुस्कुराने लगी, हुरान जन्नत झूमने लगी, आवे कौसर छलकने लगा, जन्नत वजद में आ गई और जहन्नम को शर्म आ गई। अली वकार फिर आसमान ने कहा मुझे सितारा मिल गया, मस्जिद ने कहा मुझे मीनारा मिल गया, सैयदा आमिना ने कहा मुझे राज दुलारा मिल गया, बीबी हलीमा ने कहा मुझे मेरी आंखों का तारा मिल गया, बेसहारों ने कहा हमें सहारा मिल गया, बल्कि यूं कहो कि मेरे नबी के आने से सजदे को तकद्दस मिल गया, नमाज को दरूद मिल गया, बेहिल्मों को इल्म मिल गया, बेइल्मों को इल्म मिल गया, आसियों को इकराम मिल गया और मुत्तकियों को इनाम मिल गया। अली वकार अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहता ना चलूँ कि मेरे नबी के आने से कलमे को वहदत मिल गई, नबियों को रहमत मिल गई, उम्मत को शरीयत मिल गई और हम गुलामों को पूरे जहान की हकूमत मिल गई। किसी ने कहा नबी आए, किसी ने कहा रसूल आए, किसी ने कहा पैगंबर आए, लेकिन हजरात मैं कहता हूँ सिर्फ नबी रसूल या पैगंबर नहीं आए, बल्कि ख़त्मे नबूवत की तनवीर आई है, अब्दुल मुतलिब के ख्वाबों की ताबीर आई है, बल्कि यूं कहो कि बनाने वाले की खुद बनकर तस्वीर आई है। अली वकार इस शेर से इजाज़त चाहता हूँ, इलाही शुक्र करूँ कितना, मैं फ़ख्र करूँ कितना, तेरे करम ने हमें फ़ाइज़ुल मराम किया, बना के रहमत आलम का उम्मती हमको, गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतज़ाम किया। हुमा अलैना इल्ला ग़ुलाम हसन जामिया चिश्तिया रिजविया ज़ियाउल क़ुरान रावाली से इज़हार ख़्याल करते हैं ग़ुलाम हसन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अनका फ़िज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والتين كتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا तेरे गुलामों में भी नमाया जो तेरा अक्स करम न होता तो बारगाह अजल से तेरा खताब खैरुल उमम न होता। मोहतरम असाज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू पर लब कुशाही की जिसारत हासिल करना चाहता हूँ वो है सबसे ऊँचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामेईन गरामी, इन आयात करीमा में जो मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी, अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन खसूसी इनामात अता फरमाने का जिक्र किया है, शर सदर, वज़ा ज़ल और रफ़ ज़िक्र। लुत्फ़ की बात यह है कि ये तीनों इनामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी को बिन मांगे और बग़ैर दरख्वास्त के अता फरमाए गए। आपको मालूम है कि बाद चीज़ें उस्ताद शगिर्द को
वालद बेटे को बड़ा छोटे को मांगने पर अता करता है, और बाज़ चीज़ें इनकी सलाहियत को देखकर दे दी जाती हैं। और इसी तरह यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन अजीमुल शान नेमतें अता फरमाने का फ़ैसला किया है, शरे सदर, वज़ा ज़र और रफ़ ज़िक्र। सामेईन मोहतरम, जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को हुक्म फरमाया इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, यानी आ फिरऔन के दरबार में जाकर मेरी अहकानियत और वाहदानियत का इसको पैगाम पहुँचाओ, तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने दरबार खुदाबंदी में एक दरख्वास्त पेश की, काला रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली हारून अख़्तद बिही अज़री व अशरिकहू फ़ी अमरी। इन आयात करीमा में हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने पाँच चीज़ों की दरख्वास्त बारगाह खुदाबंदी में पेश की, मेरा शरे सदर फरमा दीजिए, मेरा काम आसान फरमा दीजिए, मेरी ज़ुबान की गिरा खोलकर इसे फसीह बना दीजिए, मेरे अहले बैत से मेरा वज़ीर बना दीजिए। और मौला करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त कबूल फरमाई इनके सवाल करने पर, मगर कुर्बान जाऊँ आमिना के लाल पर कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है तो दरबार शाही से खुद ही फैसला सादर फरमा कर अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नेमत उज़्मा से सरफराज़ते हुए इरशाद फरमा है, अलम नशराह लका सदरक, यानी हमने आपका शरे सदर फरमाकर आपको दीनी दुनियावी नेमतों से मालामाल किया है। उलमा ने शरे सदर की तशरीह करते हुए फरमाया शरे सदर दो नेमतें इलम और हिलम मुराद है, यानी सरवर दो आलम को मनसब नबुवत के शयान शान जो अलूम जो उलूम मारिफ हो सकते थे वो इस कसरत से अता फरमा दिए गए कि इनको शुमार करना किसी उम्मत के बस की बात नहीं। नबुवत के उलूम, शरीयत के उलूम, जहाद के उलूम, इबादत के उलूम, रियाजत के उलूम, इमारत के उलूम, तरीकत के उलूम और मारफत के उलूम, गोया के कोई उलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर नहीं रखा गया जो मनसब नबुवत के लिए ज़रूरी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलम भी बेमिसाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलम भी बेमिसाल, इलम ने दिमाग रोशन कर दिया और इलम ने दिल रोशन कर दिया। मेरा नबी इलम वाला, मेरा नबी इलम वाला, ये दोनों नेमतें बेमिसाल और लाजवाब। वादाना आंख विजरक, यानी हमने आपका बोझ उतार दिया। बोझ क्या था? मखलूक की फ़िक्र, तौहीद की फ़िक्र, दीन की फ़िक्र, मुशरिकीन की फ़िक्र, यही फ़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोझ बनी हुई थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने मनसब नबुवत अता फरमा कर यह बोझ उतार दिया और आप पूरी तरह मुतमईन हो गए। वरफ़ना लका ज़िक्रक, यानी हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। चुनाचे कलमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बगैर नामुकम्मल, अजान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बगैर नामुकम्मल, तकबीर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बगैर नामुकम्मल, अजान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बगैर नामुकम्मल। खुलासा यह है कि इंसान अज़ा के बगैर नामुकम्मल और ईमान मुस्तफ़ा के बगैर नामुकम्मल। वमा अलैना इल्ला बलाग। असद रज़ा जामिया चिश्तिया रिज़विया से आते हैं अपनी गुफ्तगू आपके सामने। वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदकल्लाहुल अज़ीम। खूब नामे मुहम्मद है मोमिनों, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खूब नामे मुहम्मद है मोमिनों, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। निस्बते मुस्तफ़ा से जो मुंह फेर ले उसका दोनों आलम में गुजारा नहीं। और निस्बते मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश ही नहीं। सामाईने कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक के बहुत सारे नाम हैं, उन अस्मा में से दो नाम बहुत मशहूर हैं, एक अल्लाह जो अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, एक रहमान जो अल्लाह ताला का सफाती नाम है। इसी तरह अल्लाह के पैगम्बर साकिये कौसर शाफिये महशर
दोनों आलम के हादी और रहबर हुजूर अलैहिस्सलाम के अस्माए मुतहरा में से दो नाम बहुत मशहूर हैं, एक मोहम्मद जो हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ाती नाम है, एक रहमान जो हुजूर अलैहिस्सलाम का सफाती नाम है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह और हुजूर अलैहिस्सलाम के नामों में बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है, इस तरह के अल्लाह के आदात के हरूफ चार तो हम इसमें मोहम्मद के आदात के हरूफ भी चार, इस तरह के अल्लाह में एक तशदीद हरफ तो लफ्ज़ मोहम्मद में भी एक तशदीद, लफ्ज़ अल्लाह में नुक्तों से खाली तो लफ्ज़ मोहम्मद भी नुक्तों से खाली, लफ्ज़ अल्लाह में एक हरफ मुकर्रर तो इसमें मोहम्मद में भी एक हरफ मुकर्रर, इसमें अल्लाह में एक सुकून तो इसमें मोहम्मद में भी एक सुकून, इसमें अल्लाह के आदात 66 जुफ्त तो इसमें मोहम्मद के भी आदात 96 जुफ्त, सुबहान अल्लाह। और इमाम जाफ़र इसमें मोहम्मद रहमतुल्लाह इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं के आदा चार हैं, मीम का मैना है अमन और इमानत वाला, हा का मैना है हबीब खुदा, और मीम सानी का मैना है मीमोनो मुबारक, और दाल का मैना है दीन की इलामत। गोया जो हस्ती अमन और इमानत वाली हो, जो खुदा का हबीब हो, जिसका बायस मेमूनो मुबारक हो और जो दीन की अलामत हो, उस करीम हस्ती को मोहम्मद कहा जाता है। और हाफ़िज़ इब्ने कय्यम इसमें मोहम्मद की शरह बयान करते हुए फरमाते हैं कि मोहम्मद उसे कहा जाता है जिसमें तारीफ के औसाफ पाए जाएँ और उसकी इतनी तारीफ की जाए कि बशर में दुनिया में किसी बशर की ना की जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ इंसान जिसकी तारीफ करे उसको मोहम्मद कहा जाता है, मलाइका जिसकी तारीफ करे उसको मोहम्मद कहा जाता है, जन्नात जिसकी तारीफ करें उसको मोहम्मद कहा जाता है, जमादात जिसकी तारीफ करें उसको मोहम्मद कहा जाता है, तयूर जिसकी तारीफ करें उसको मोहम्मद कहा जाता है, अच्छो फर्ज जिसकी तारीफ करें उसको मोहम्मद कहते हैं, अंबिया जिसकी तारीफ करें उसको मोहम्मद कहते हैं, औलिया जिसकी तारीफ करें उसको मोहम्मद कहते हैं, अतकिया जिसकी तारीफ करें उसको मोहम्मद कहते हैं, असफिया जिसकी तारीफ करें उसको मोहम्मद कहते हैं, बल्कि सारा जग जिसकी तारीफ करें उसको मोहम्मद कहते हैं। एक कदम आगे बढ़कर मैं ये तो कहता हूँ कि खुद रब्बुल आलमीन जिसकी तारीफ करें उसको मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह अल्लाह नाम हबीब खुदा कितना शीरीं और किस कदर जाफिदा, फूल से खिल गए लब से लब मिल गए जब जुबां पे नाम मोहम्मद आ गया। और इस शेर से मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ जो कि मेरी तकरीर का मौजू भी है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। शुक्रिया। जामिया चिश्तिया من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وامرا وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم। मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम वाजिबुल एहतराम मेरे असातिज़ा इकराम और मेहमानान ज़ीवकार जज साहबान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रात, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है अमन आलम का पैगंबर रसूलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम। हज़रात, हुजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों का जंग उतरा बेनूर चेहरों पे नूर आया, बुझे चेहरों का जंग उतरा बेनूर चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हजरत, आज मैं आपके सामने मैं वो तारीख बयान करने जा रहा हूँ जब इंसान इंसानियत को भूल चुका था, बिनती हवा इब्ने आदम की आवाज का शिकार थी, औरत पाँव का जूता समझी जाने लगी, सनफे नाद को दरगोर करना फखर समझा जाने लगा, नस्ल इंसान की पहचान मफकूद हो चुकी थी, हर दूसरा गुलामी की दल दल में धंसा जा रहा था, सरजमीन अरब इंसानियत के खून से सुरेख होने को थी, दरिंदों के वसफ इंसानों के लिए बोले जाने लगे, हिदायत के मुदी खुद बेराह रवि का शिकार थे, अचानक
سرزمین حجاز میں ایسا آفتاب احمد طلوع ہوا جس کی آمد سے انسانیت کو گویا میراث مل گئی، پھولوں پہ رانائی، کلیوں پہ بہار آ گئی، عربوں کی بنجر زمینیں شاداب بغیچوں میں بدل گئی، عزت نفس، معاشیت اور معاشرے کو تحفظ ملا۔ حضرات، آپ کے عمل کا ہی نتیجہ تھا کہ ابن قحافہ صدیق اکبر بن گئے، ابن خطاب فاروق اعظم بن گئے، ابن عفان ذوالنورین بن گئے، ابن ابی طالب حیدر کرار بن گئے۔ یہاں پر بس نہیں بلکہ لوگوں کا مال غصب کر کے اپنے پیٹوں کی آگ بجھانے والے آپ کے پیغام ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل سے مالوں کے محافظ نہیں بلکہ کفیل بن گئے۔ کہیں آپ کے پیغام من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا سے انسانیت کے قاتل رحیم و شفیق بن گئے۔ زندہ جلائی جانے والی عورت کو آپ کے پیغام خیرکم خیرکم لعلیہ وانا خیرکم لعلیہ سے باسی افتخار سمجھا جانے لگا۔ حضرات، ظلمتیں چھٹ گئیں، تاریکیاں دم دبا کر بھاگ گئیں، نور کی کندیلیں اقصائے عالم میں روشن ہو گئیں، حتیٰ کہ امن و امان کی خوشگوار ہوائیں فضائے عالم میں اس طرح چلنے لگیں کہ ایک زیور راستہ عورت صنعاء سے خضر موت تک تنہا سفر کرتی ہے، اسے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ حضرات، اگر نظر بصیرت سے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی امن و سلامتی کے لیے حجر اسود کے نصب کرنے پر اٹھنے والے اختلافات کو پھولوں میں تبدیل کر دیا، کبھی امن و سلامتی کے لیے حضرت عثمان کو مشرقین مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا، کبھی امن و سلامتی کے لیے صلح نامہ کی تحریر میں محمد رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا، کبھی امن و سلامتی کے لیے حضرت ابو جندل کو مشرقین مکہ کی طرف واپس کر دیا، کبھی امن و سلامتی کے لیے اپنے لگتے جگر کے قاتل کو معاف کر کے دنیا میں امن و سلامتی کا ڈھنگا بجایا، حتیٰ کہ آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والے، آپ کو ہجرت پر مجبور کرنے والے، پاؤں میں کانٹے بچھانے والے، سر پہ کوڑا ڈالنے والے، حضرت سمیہ کو شہید کرنے والے، حضرت بلال کو ریت پر لٹانے والے، حضرت خبیب کو سولی پر چڑھانے والے آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، آپ نے انہیں بھی لا تسلیم علیکم اليوم کہہ کر امن و سلامتی کا پروانہ تھما دیا۔ شکریہ۔ آئے ہوئے محمد ثقلین رضوی، محمد ثقلین رضوی جامعہ قادریہ سے۔ لک الحمد یا رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ قابل قدر ساتھی کرام، صدر ذیوقار اور مفتی اعظم پاکستان، آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے اعلی حضرت علیہ رحمہ۔ سامعین محترم، اگر میں اعلی حضرت کی زندگی کے مختلف گوشوں پہ بات کروں تو وقت کا دامن سمٹتا جائے اور ہزاریں شانیں نکھرتی جائیں۔ اگر میں امام اہل سنت کے زور قلم پہ بات کروں تو نان پارا کی ریاست پارۂ نا نظر آتی ہے۔ اگر امام اہل سنت کے زہد و تقوی و ورا کو بیان کروں تو رب کعبہ کی عزت کی قسم امام غزالی کا یقین ہوتا ہے۔ اگر امام اہل سنت کا قرآن پاک سے عشق بیان کروں تو امام راضی کو داد تحسین دیتا ہوا پاتا ہوں۔ اگر امام اہل سنت کی شجاعت کو بیان کروں تو فضل حق خیر آبادی کے قدسی صفات لشکر کا سپہ سالار پاتا ہوں۔ اگر امام اہل سنت کی حق گوئی اور بے باکی کو بیان کروں تو رب کعبہ کی عزت کی قسم احمد رضا اللہ کا شیر نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت کی وحدانیت اور رسول معظم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموس پہ پہرہ دیتے ہوئے تمام رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیوں کو یہ سبق دیا کہ اس کائنات میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کائنات کی وحدانیت کا چرچا کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموس پہ پہرہ دیا جائے۔ صدر ذوالوقار، اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ احمد رضا کی شان کیا ہے تو فسألو اہل الذکر کی تقسیم احمد رضا نظر آتے ہیں، اگر امام بخاری سے پوچھا جائے کہ احمد رضا کی شان کیا ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں المؤمن افضل من القبہ کی شان والا احمد رضا نظر آتا ہے، اگر امام مسلم سے پوچھا جائے کہ احمد رضا کی شان کیا ہے تو امام مسلم فرماتے ہیں المسلم من سالم المسلمون من لسانه ویده کا فقر عظیم احمد رضا نظر آتا ہے، اگر امام نسائی سے پوچھا جائے کہ احمد رضا کی شخصیت کیا ہے تو امام نسائی فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمنین ينظر بنور اللہ، کہ نظر فراست والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ احمد رضا نظر آتی ہے۔ صدر ذوالوقار امام احمد رضا فاضل بریلوی، آپ نے اپنی ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموس پہ پہرہ دیتے ہوئے گزارا، اور کسی نے پوچھا حضرت امام احمد رضا سے کہ نموس رسالت پہ پہرہ کس طرح دیا جاتا ہے، اور کسی نے کہا کہ ہر لمحہ نموس رسالت پہ پہرہ دو، ہر گھڑی نموس رسالت پہ پہرہ دو، لیکن جب احمد رضا سے پوچھا کہ نموس رسالت پہ پہرہ کس طرح دیا جاتا ہے، کس طرح رسول کریم علیہ السلام کی نموس کی حفاظت کی جاتی ہے، تو امام احمد رضا نے فرمایا کائنات والا سن لو، نہ گھڑی کا تعین کرو نہ کسی وقت کا تعین کرو، امام احمد رضا نے فرمایا کہ رب کائنات نے یہ جو جسم تم کو دیا ہے، یہ جو جان تم کو دی ہے، امام احمد رضا نے فرمایا اس جسم میں اس جان میں سانس بعد میں آئے پہلے آقا کی نموس کی حفاظت کی جائے، جسم میں جان بعد میں آئے، اور جان میں جو سانس چلتا ہے وہ سانس بعد میں آئے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس کی حفاظت کی جائے۔ اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ کائنات والوں سن لو، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموس پہ پہرہ دیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں، بلکہ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا ختم نبوت کے لیے جو بھی کام کرتا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم اس کی پشت پر کسی اور کا نہیں بلکہ رب کائنات کا ہاتھ ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین، پروگرام اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواندواں ہے۔ پہلے ہم نے استاد المکرم جناب ذکاء اللہ ولایت صاحب کو ان کی محنت کا، جو ان کی کاوش، جو ان کی محبت ہے ادارے کے ساتھ، اس صورت میں ان کو ہم نے ان کے پوتش شاگرد کی صورت میں ان کو سامنے پیش کی۔ اب میں قبلا استاذ مکرم مفتی اعظم پاکستان کی بارگاہ میں ان کے ہی پوتے شاگرد کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آپ سے عربی کے اندر کلام کریں گے، جناب حافظ محمد عرفان سیالوی صاحب، جو کہ جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور عربی کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ الذی خلقنا من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، والصلاۃ والسلام علی من قال من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان لی، اما بعد، قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قولوا معی باصواتکم الاعلى الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك وأبيك وأمك وأزواجك وذرياتك يا محبوب رب العالمين۔
इन्नी अकूलु अमामकुम हाज़ल यौम आला मौदूई सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम व इताअतिही व महब्बतिही व अनाशकुर उस्ताजी व मुकर्रमी शेख अबुल उलमा अबू सईद मोहम्मद हनीफ जिश्ती दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया इस्तदल्लल्लाहु तआला अलैना दाइमन अबदा। वुलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम फी शहर रबील अव्वल व हुवा मिन कबीलत कुरैश व अबूहु अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु तआला अन्हु तवफ्फी अबूहु शाबन व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम लम युलद बाद। फलम्मा वुलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम रब्बाहु जद्दुहु अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु तआला अन्हु वारदातुहु अलीमतु सादियत रदियल्लाहु तआला अन्हा व मातत उम्मुहु व उम्रुहु सित्तु सिनीना। फलम्मा बालग सामिनत मिन उम्रिही मात जद्दुहु अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु तआला अन्हु फकफलहु अम्मुहु अबू तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु। नशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम मुत्तसिफन बिमहासिन सिफात बाइदन अनिल लहवि वल लाबि वशुरबिल खमरि वइबादतिल असनाम واشتهر في قومه بالصدق والأمانة في الخامسة والعشرين من عمره تزوج السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم قبل بعثته يخرج إلى غار حراء لعبادة الله حتى إذا بلغ أربعين نزل عليه جبرائيل عليه السلام بالوحي فجعل النبي صلى الله عليه وبارك وسلم يدعو الناس إلى الإسلام व तर्क इबादत अल असनाम कान नासु फी ज़ुलुमात अल कुफ्र व दलाल वल औहाम हत्ता नसु खालिकहुम अल हकीकिया फअखरजहुम सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम मिन हाज़िहि दलालात फअवसलहुम इला रब्बिहिम। इस्तमरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम फि दावत वल इरशाद बिमक्का सलासा अशरा। फलम्मश्तद्दाइज़ाल मुश्रिकीना लहू वली असहाबिही आमरहुल्लाहु ताला लिल्हिज्रति इलल मदीनति फहाजरा इलैहा फस्तक्बलहु अहलुल मदीनति बिल्फरही वस्सुरूर वजअलतिल बनातु युन्शिदना तलअल बद्रु अलैना मिन सनिजातिल वदाई वजबश्शुक्रु अलैना मादअ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊसु फीना जीत बिल अम्रिल मुताई वंतशरा फीहा अलइस्लाम इंतिशारन अज़ीमा إن الله تعالى أرسله إلى الناس جميعا وبعثه رحمة للعالمين كما قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومتصفا بالأخلاق الحميدة كما قال وإنك لعلى خلق عظيم। قالت أم معبد رضي الله تعالى عنها في صفات النبي صلى الله عليه وبارك وسلم رأيت رجلا ظاهر الوداعة متبلج الوجه حسن الخلق لم تعيبه سجلة ولم تزر به سولا قسيم وسيم في عينيه دهج وفي أشفاره بطف وفي صوته سهل أحور أكهلا أزج أكرن شديد سواد شعر في عنقه سطع وفي لحيته قصافة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء كأن منطقه خرزات نظمنا يتحدرنا حلو المنطق فصل لا نظرة ولا حذرة أجهر الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب ربعة لا تشنعه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو بهالثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يهفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادر لأمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند। قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في صفات النبي صلى الله عليه وسلم هجوت محمدا صلى الله عليه وبارك وسلم فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا صلى الله عليه وسلم برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدتي
वाइर्दी लेर्दे मोहम्मद मिनकुम वका वाहसनु मिनका लम तरकत्तो आईनी वाजमलु मिनका लम तालिदिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले आयबिन का अन्नका कद खुलिकता कमा तशा तख्ता दिया मोहब्बत हो अन्न तबी सुन्नत हो वन दाफियान शरीयत ही वन अमल बिल किताब व सुन्नत वन हिब्बा सहाब हो वाहल बेत हिल खराम व मा अलिया इल्ल बलागुल मुबीन। आखिरी तीन मुकर्रर बाकी हैं, बारी बारी वो भी आपके सामने इजहार ख्याल करेंगे। हमारे स्टेज पे जो जीनत बने हुए अजीम लोग, इनके शफकत है कि ये हमारे तुलबा की तरबियत के लिए जलवा फरमा होंगे। इन्हीं के बारे में शायर ने कहा था, हमारे स्टेज पे ऐसे भी लोग बैठे हैं, हमारे स्टेज पे ऐसे भी लोग बैठे हैं जो सबा की चाल बहारों का रूप रखते हैं। जवानी हुस्नो इश्क पुरजोश तकरीरें, जवानी हुस्नो इश्क पुरजोश तकरीरें, कलम के मौजज़े फिक्रो नज़र की शोख तस्वीरें। अगले मुकर्रर को पेश करता हूँ, मोहम्मद अबू बकर वाते हैं इजहार ख्याल करते हैं। आगे अबू बकर, मोहम्मद अबू बकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबियीन। आमंतु बिल्लाही सदकल्लाहुल अज़ीम। जिससे पहले कोई इंसान नहीं था, जिससे पहले कोई इंसान नहीं था, जिसके बाद कोई नबी नहीं है, वो ख़त्मे नबुव्वत, वो मंबाए रिसालत, वो सैयदुल मुरसलीन, वो सैयदुल मुरसलीन, वो ख़ातमुन नबीजीन है, वो ला नबी जबादी, जिसके बाद कोई नबी नहीं है। हज़रात ज़ीवक़ार, मुअज़्ज़िज़ो मोहतरम, असातिज़ाए कराम और दीगर जज साहिबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज मेरी तकरीर का मौजू है ख़त्म नबुव्वत। हज़रात मोहतरम, जो मैंने आया करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, उसमें खल्ला के आलिम ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीजीन। नहीं है मुहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप, वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीजीन, लेकिन वो अल्लाह ताला के रसूल आखिरी नबी है। हज़रात ज़ीवक़ार, इसी आयत की तफसीर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने, जब यह आयत नाजिल हुई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातमुन नबीजीन का मतलब क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ख़ातमुन नबीजीन वो होता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला आखिरी नबी बनाकर दुनिया में मबूस फरमाए। ख़ातमुन नबीजीन वो होता है जिसके सर पर अल्लाह ताला ख़त्म नबुव्वत का ताज सजाए। मिश्कात शरीफ के सफ़ा नंबर 515 पर यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत जुबैर बिन मुतम रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं। अन जुबैर बिन मुतम क़ाल समीतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जुबैर बिन मुतम फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यकूलु इन्नली अस्मान, आप फरमाते हैं कि मेरे चंद नाम हैं, अना मुहम्मदुन मैं मुहम्मद हूँ, अना अहमदु मैं अहमद हूँ, व अनल माही, फरमाया मैं माही हूँ, अल माही लदी यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा, फरमाया माही वो होता है जिसके जरिए अल्लाह ताला कुफर को मिटाता है, व अनल हाशिरु, फरमाया मैं हाशिर हूँ, हाशिर वो होता है, अल्लदी युशरुन्नास वला कदमैया, फरमाया हाशिर वो होता है जिसके कदमों पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को उठाएगा, फरमाया व अनल आकिबु मैं आकिब हूँ, वल आकिबु लदी लैसा बादहु नबीयुन औ कमा क़ाल, फरमाया आकिब वो होता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला आखिरी नबी बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाए, आखिरी नबी बनाकर खातमुन नबीजीन बनाकर मबऊस फरमाए, जिसके सर पर अल्लाह ताला खत्म नबुव्वत का ताज सजाए। हज़रात ज़ीवक़ार, जंगे यमामा जो हज़रत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हो आपके दौरे अक़दस में हुई, ये वो जंग है जिसमें सहाबा इकराम को सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ।
हजूर अली सलात व सलाम के दौरे अकदस में जितनी जंगें हुई हैं, जितनी गजबात हुए हैं, उनमें सहाबा इकराम जो शहीद हुए उनकी तादाद 259 है। लेकिन जंग यमामा जो हजूर अली सलात व सलाम के ख़त्म नबुवत के मौके पर हुई, जो हजूर अली सलात व सलाम की नमूस के लिए लड़ी गई, वो सहाबा जिनमें शहीद हुए उनकी तादाद 1200 है, जिनमें से 77 बदरी सहाबा थे और 700 से ज़्यादा हफाज़े कराम थे। हजरात मोहतरम, आज जब मैं अपने मुसलमान भाइयों को कादियानियों के साथ खुशगपियाँ मारते हुए, रंग रलियाँ मनाते हुए देखता हूँ, मेरा दिल खून के आंसू रोता है, मेरा दिल तड़प उठता है और मुझे वो जंगे यमामा के सहाबा याद आते हैं। कहीं सर कट रहे हैं, कहीं पांव कट रहे हैं, कहीं बाजू कट रहे हैं, कहीं हाथ कट रहे हैं, कहीं सहाबा कराम का सर तन से जुदा है, खून की नहरें जारी हैं, लाशें बिखरी पड़ी हैं। और आज अगर कोई सहाबा कराम ने, अरे मुसलमानों, सहाबा कराम ने अपने खून की नदियाँ किस लिए बहाई, अपने हाथ किस लिए कटाए हुजूर की नमूस की खातर, अपने पांव किस लिए कटवाए हुजूर की नमूस की खातर, अपने हाथों को किस लिए कटवाया हुजूर की नमूस की खातर, अपने कानों को किस लिए कटवाया हुजूर की नमूस की खातर, अपनी आंखों को किस लिए निकलवाया हुजूर की नमूस की खातर। आज अगर कोई असेंबलियों में बैठकर हुजूर की नमूस के खिलाफ फतवा दे, हुजूर की नमूस के खिलाफ बकवास करता है, तानाशाही करता है, जबान दराजी करता है, तो हमें चाहिए गाजी मुमताज हुसैन कादरी जैसा किरदार अदा करना चाहिए, गाजी तनवीर जैसा किरदार अदा करना चाहिए, गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा जैसा किरदार अदा करना चाहिए और गाजी इलमदीन शहीद जैसा किरदार अदा करना चाहिए। आखिर पे एक ही बात लिखता हूँ, लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बाद रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। वाखिर सोने वाले को जगा दे अपनी तकरीर के एजाज से, सोने वाले को जगा दे अपनी तकरीर के एजाज से, खिरमने बातिल जला दे अपने शोलाए आवाज़ से। आज के ऐवान के आखिरी मुकर्रर को मैं पेश करने जा रहा हूँ, मोहम्मद अमीर हमज़ा वाते हैं, इजहार ख्याल करते हैं मोहम्मद अमीर हमज़ा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن هذه أمتكم أمة واحدة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم كجسد واحد صدق الله العظيم। फिर सियासत छोड़कर दाखिल सारे दी में हो, फिर सियासत छोड़कर दाखिल सारे दी में हो, मुल्क व दौलत है फ़कत हिफ्ज़े हरम का एक समर, मुल्क व दौलत है फ़कत हिफ्ज़े हरम का एक समर, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अरबाब फ़िक्र दानिश, सदर ज़िवकार और सामीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि उम्मत मुस्लिमा किसी एक खिता में महदूद नहीं, बल्कि इसके प्रस्तार हर बर आज़म में ज़िंदगी बसर करते नज़र आते हैं, बिलखसूस बर आज़म एशिया और अफ्रीका में मुसलमानों की तादाद करोड़ों में है। कमोबेश 55 मुल्कों में मुसलमानों की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमतें हैं, जिनमें तौहीद रिसालत के प्रस्तारों की तादाद 1.5 अरब नफूस से भी ज़्यादा है। गोया इस कुर्रे अर्ज़ का हर छठा आदमी दीन इस्लाम का पैरोकार है, मगर मुकाम सद अफसोस ये है कि उम्मत मुस्लिमा में फ़िक्र नज़र की वहादत का फुकदान है और मरकजियत की शदीद कमी है। हम आहंगी और यकजहती ना होने के बराबर है, हर मुल्क जाती और इलाकाई मुफाद का असीर है, रंगो नस्ल अरबो अदम के बुत गार दिए गए हैं। इकबाल ने मुसलमानों की जिल्लत और पस्ती को देखा, और इकबाल ने स्पेन की बदहाली को अपनी आंखों से देखा, कुर्तबा को देखा, कुर्तबा की जामे मस्जिद को गोरों का अस्तबल बना देखा, और गरनाता को देखा तो तरब कर कहा, गरनाता भी देखा है मेरी आंख ने लेकिन, गरनाता भी देखा है मेरी आंख ने लेकिन, तस्कीन मुसाफिर न सफर में न हजर में, तस्कीन मुसाफिर न सफर में न हजर में, देखा भी दिखाया भी सुनाया भी सुना भी, देखा भी दिखाया भी सुनाया भी सुना भी, है दिल की तसल्ली न नजर में न खबर में, है दिल की तसल्ली न नजर में न खबर में। जनाब सद, ये बात आज पूरी दुनिया के मुसलमान शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा में फिक्र नजर का फुकदान है, और ये बात पूरी दुनिया में आज पूरी दुनिया के मुसलमान शिद्दत के साथ
महसूस कर रहे हैं कि फिक्रों आज पूरी दुनिया के मुसलमान शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं कि अरबी अरबी की बुनियाद पर तख्ता मश्क नहीं बनाया गया, इनके खिलाफ लिसानी इलाके जंग नहीं की जा रही, बल्कि ये सारी फौज कशियाँ, ये बहरी बेड़े, ये गेजी गटर और फास फॉरस बमों की बरसात सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम मुसलमान हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। ये सब मुसलमानों को ग़ुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान फिर भी मुज़ाहमत करते हुए कहते हैं, हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, तभी है आग जिगर मगर बुझी तो नहीं, तभी है आग जिगर मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की, जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। आलिवकार तारीख हमें यह बताती है कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद जब भी हुआ तो उन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्तें फाश दी है। गज़वाए बदर में 313 ने 1000 को शिकस्त दी, गज़वाए खंदक में 3000 ने 10000 को शिकस्त दी। हर दौर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद ने फतह का परचम लहराया, वो दौर मोहम्मद बिन कासिम का हो या वो दौर सलाहुद्दीन अयूबी का हो, वो दौर मूसा बिन नुज़ैर का हो या वो दौर तारक बिन ज़ियाद का हो, जिनके बारे में इकबाल ने तड़प कर गरज कर कहा है, जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उदलस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उदलस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया, चले थे 313 जहां से तुम मुसलमानों, चले थे 313 जहां से तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की आहों पर पलट जाने का वक्त आया। सदर जीवकार फितरत के तमाम मज़ाहिर हमें इत्तफाक और इत्तेहाद का दर्श देते हैं। अगर हम सितारों को देखें तो सितारों की वहादत शब के अंधेरे को चाक करके रख देती है और संग्रेजों की वहादत से कोहसार जाम लेते हैं। हमा अलैना इल्लल बलाग सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लू लू विच शौक चंगेरी है, अजनैना लाया क्यों झड़ियाँ, मुख चंद बदर शाशानी मथे चमके लाट नूरानी है, मुख चंद बदर शानी मथे चमके लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी हिन मध भरिया। इस सूरत नू मैं जाना खां जानान के जाने जहाना खां, इस सूरत नू मैं जाना खां जानान के जाने जहाना खां, सच आखां ते रब दी शान आखां जिस शान तो शाना सब बनिया, सच सुबहान अल्लाह माज मलाका माया हसन का मायक मलाका, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख खियां किथे जा लड़ियां, अज सिख मित्रा
दी बधेरी की असर जो है वो जान होगी। इस प्रोग्राम को भी जहन नशीन रखिएगा, जितने मुकर्रदीन सनाकान तशरीफ लाए हैं इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद जामिया की जो सालाना तकरीबात हैं वो इस दफ़ा जो है वो सिल्वर जुबली के सिलसिला में ईद उल फितर के बाद मुनक्किद की जाएंगी। अब मैं दोबारा फिर शहंशाह की दावत पढ़िए ला देखो
मोहम्मद अकील, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद उमर फारूक। मैं इंतहाई मशहूर हूँ मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहब से और कारी सुल्तान महबूब साहब का तशरीफ लाए। मोहम्मद रिहान रजा, हाफिज मोहम्मद अबू बकर, हाफिज मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद हसीब, इंदबा मोहम्मद आदिल, मोहम्मद शमायल, एफ जी पब्लिक स्कूल कैंट से मोहम्मद शमायल, ओके, मोहम्मद अवैस, अबू बकर सिद्दीक। नेक्स्ट। ओके। मैं इंतहाई मशहूर हूँ चट्टा साहब का और हाजी शेख आबाद साहब का। अमित मोहम्मद सकलैन, मोहम्मद अहसन रफी, मोहम्मद अहसन रफी। ओके। ओके। मुस्तफा जरीफुल कादरी साहब, आपकी खिदमत अकदस में अर्ज करूँगा कि उन बच्चों में इनाम तकसीम फरमाएंगे जिन्होंने मुकाबला उसने तकरीब ग्रुप अव्वल में पोजीशन हासिल की है। इनकी भी तीसरी पोजीशन है। हाफिज मोहम्मद तहीर का भी ताल्लुक जामिया चिश्तिया से है। मोहम्मद उमर फारूक साहब, इन्होंने दूसरा इनाम हासिल किया। नारे तकबीर, ग्रुप अव्वल मुकाबला उसने तकरीब में इनाम हासिल किया है। जामिया चिश्तिया से इनका ताल्लुक है मोहम्मद अवैस नवाज साहब और किबला चिश्ती साहब इनको इनाम दे रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन, पहला इनाम हासिल किया है सैयद अमीन उस्ताद शाह साहब ने और पहला इनाम हासिल कर रहे हैं किबला अहमद आहिर अब्दुल अजीज चिश्ती साहब से। उस्ताद ने मुकर्रम की खिदमत में अर्ज करूंगा आप ही साथ हो। नारे जो बच्चे पोजीशन होल्डर्स हैं उनके लिए दुआ है कि
کرے اور مزید ایفرٹ کرے مزید کوشش کرے تو انشاءاللہ وہ بھی یہ پوزیشن ضرور حاصل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی کر دیا تھا. Thank you.